बच्चे हार गए हैं। श्रीलंका ने इतना धोया इनको, इतना धोया इनको, इतना धोया कि इनकी टट्टी निकाल दी है मार मार के। घंटे बाबर आजम को और जोली में बिठाओ और बोलो ये हमारा किंग है, मैं थूकता भी हूं इस कुत्ते के पुत्र के ऊपर। ये तोड़ू टीवी, तोड़ दू टीवी अपना, तोड़ दू टीवी मैं अपना तोड़ देता हूँ। कहते हो तो मैं तोड़ देता हूँ टीवी, कहते हो तो नीचे हेलो येलो येलो मैंने फेंक दिया नीचे टीवी। ये बदतमीजी होती है यार, आप बकवास कर रहे हो हर टाइम। पहले ही कह रहा था सब कॉन्टिनेंट की टीम्स या हल्की फुल्की टीमों को मारोगे तो कोई हल्की तुम्हारे ऐसे घोस के फटेगी कि कोई सजदे में गिरेगा, कोई घुटनों के बल, कोई एड़ी के बल और कोई हाथों के बल घूम जाएगा। ले लो पूरा नंबर वन अपने अंदर और लेके घूमते रहो कहीं कोलंबो की गलियों के अंदर जाकर। तुम लोग शर्म आनी चाहिए यार। पाकिस्तान की क्रिकेट से खेलना बंद कर दो नहीं तो गला कटवा लेंगे। अब तुम लोगों को एक्सपोज करना शुरू करेंगे। ये दोस्ती यारी कबीला 11 है। बाबर आजम अपने रन बच्चों पे पूरे साल बनाता है। कहा था तुम्हारे इस बाप ने क्या आने दो एशिया कप, इसकी फिर फॉर्म चली जाएगी। श्रीलंका ने आपका घंटा बजा दिया, श्रीलंका ने आपका घंटा बजा दिया। आज आके श्रीलंका ने बता दिया कि घंटा घंटे को बजाया जाता है। आज आपको शर्म आनी चाहिए। जब एशिया कप शुरू हुआ था ना, ये पाकिस्तानी लोग बकवास कर रहे थे कि इंडिया की टीम सेटल नहीं है, इंडिया की तो बॉलिंग नहीं है, इंडिया का तो ये नहीं है। आपका अबू इंडिया एक मैच पहले ही एशिया कप के फाइनल में जा चुका है। यार बैड लक देखे ना, हमारी बैड लक पड़ी थी। ये बॉलिंग है नहीं, बॉलिंग तो बहुत घटिया की यार, ये बॉलिंग है। और ये तो शुक्र करो कि आपके बॉलर इफ्तिकार अहमद ने, आपके इफ्तिकार और शाहीन ने आपको मैच में वापसी दिला दी। और बहुत बुरी हार होनी थी, और बहुत बुरी हार होनी थी कि हम तो उम्मीदें तोड़ के बैठ गए। ये घंटा जो आता है इसको बजा के चला जाता है। ये टिपिकली घंटा है। ये टीम है, 10 दिन पहले आप लोग बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को बीट करेंगे, हम 266 चेज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। श्रीलंका नहीं आपको आपसे हराने हुआ, आप इंडिया को हराने की बातें कर रहे हो। उस बंदे ने आपके 3 प्लेयर पंचर किए हैं, एक इंडियन टीम ने एक मैच में आपके 3 प्लेयर पंचर किए हैं। आगा को बाल मारी है, आरएस राव को, नसीम शाह को, किंग कोहली ने इंजर्ड किया है। ये टीम श्रीलंका के, ये टीम डिजर्व करती थी फाइनल में जाना इंडिया के साथ। और भाईजान श्रीलंका डिजर्व करती थी, वो चली गई है। तोड़ दू टीवी मैं अपना तोड़ देता हूँ। कहते हो तो मैं तोड़ देता हूँ टीवी, कहते हो तो नीचे हेलो येलो येलो मैंने फेंक दिया नीचे टीवी। ये बदतमीजी होती है यार, आप बकवास कर रहे हो हर टाइम। जो आता है बाबर किंग है। ये किसे किंगशिप कहते हैं? ये किंग है, ये किंग वाली हरकतें कर रहा है बाबर आजम। ये मेरा एल भी नहीं है। इसे ये ही नहीं पता दोस्ती यारी टीम में चल रही है, जो आ रहा है दोस्ती यारी में खेली जा रहा है, इस बगैरत के बचे की कोई परफॉर्मेंस नहीं है टीम में। नेपाल को ले आओ, रंग बड़ी टीम आएगी, रंग ही नहीं करेगा। आज बॉलिंग लाइनअप देख लो, वो शाहीन शाह अफरीदी, उस कुत्ते को सिर्फ 2 ओवर दे दो वो तब बॉलिंग करेगा, बाद में 8 ओवर की वो बॉलिंग करता ही नहीं है। दूसरे ये स्पिन डिपार्टमेंट पैन दी श्री खाने पता ही नहीं करना की ये वो बाबर आजम है, उसको कप्तानी ही नहीं करनी आती। उसको ये ही नहीं पता फास्ट बॉलर कब लगाना है, उसको ये ही नहीं पता स्पिन कब लगानी है। आके श्रीलंका ने आपका घंटा बजा दिया, आज आके श्रीलंका ने बता दिया कि घंटा घंटे को बजाया जाता है। आज आपको शर्म आनी चाहिए। जब एशिया कप शुरू हुआ था ना, ये पाकिस्तानी लोग बकवास कर रहे थे कि इंडिया की टीम सेटल नहीं है, इंडिया की तो बॉलिंग नहीं है, इंडिया का तो ये नहीं है। आपका अबू इंडिया एक मैच पहले ही एशिया कप के फाइनल में जा चुका है, आपका अबू इंडिया एक मैच पहले ही फेवरेट बन चुका हुआ है, आपका अबू इंडिया चला गया हुआ फाइनल में। तरस आप लोग रहे हो एक विकेट लेने के लिए। श्रीलंका ने जिस तरह आपको हराया, इबरतनाक शिकस्त पहले इंडिया ने दी, अब इबरतनाक शिकस्त आपको श्रीलंका में दी है। ये ओडीआई की नंबर वन टीम है, मेरा एल नंबर वन टीम है, ये मेरा एल है। ये घंटे को और खिलाओ, और बोलो ये नंबर वन है। आईसीसी को ऊपर मैं लानत भेजता हूं कि इसको आपने नंबर वन बनाया हुआ है। गुस्सा आ रहा है यार ऐसी परफॉर्मेंस तुम लोगों की देखकर। ये तुम लोगों ने किया है, पहले ही कह रहा था सब कॉन्टिनेंट की टीम्स या हल्की फुल्की टीमों को मारोगे तो कोई हल्की तुम्हारे ऐसे घोस के फटेगी कि कोई सजदे में गिरेगा, कोई घुटनों के बल, कोई एड़ी के बल और कोई हाथों के बल घूम जाएगा। ले लो पूरा नंबर वन अपने अंदर और लेके घूमते रहो कहीं कोलंबो की गलियों के अंदर जाकर। तुम लोग शर्म आनी चाहिए यार, इतनी सेकंड थर्ड स्टैंड श्रीलंका टीम और उसके ऊपर तुम्हें मैच देखने से पहले बता दिया, उसके बावजूद भी ना तो तुम अब्बू मानते हो।
ये बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर गया, कोई मुझसे टेबल पर बैठ के डिबेट कर ले अगर वो पाकिस्तान खेला हुआ भी है। अबे भाई हम भी खेल लेते, ये कराची की क्रिकेट के जो अंदाता बनते हैं ना, ये घरों पे लड़के सिलेक्ट करवाते थे, ये वो लेग स्पिनर सिलेक्ट करवा देते थे जिनका बॉल पूरे ट्रायल में ब्रेक ही नहीं होता था, इसलिए समझ के मैं घर बैठ गया, ठीक ठाक क्लब क्रिकेट खेला हूं, हर क्लब मांगता था, बर्बाद कर दूंगा इनको मैं। देखो अब देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि शादिया ने मत बजाओ, बारिश हुई है, बॉल अच्छा बॉल खुश्क हो गई थी विकेट, लेकिन तुम्हारे पास टके टके के स्पिनर्स हैं और टके टके का ये बॉलर है, ये अगर बॉल स्विंग ना हो रही हो इसे क्लब लेवल के लड़के मारे, इतना मारे के मार के फेंक डाले बाहर का ही। आप मुझे एक बात बताओ, चलो बैटिंग में तो तुमसे कुछ निकल के आया नहीं, ठीक है, तुम्हारी टांगे वो 19 साल का लौंडा खड़ी करके चला गया और तुम आराम से निकल भी गए खड़ी करके अपनी टांगे, वो तुम लेकर आए अपना पक्का दोस्त जिसको T20 का डेब्यू करा के तुमने न्यूजीलैंड के अंदर, और वहां से घुमाते फिराते आखिरकार तुमने बता दिया कि पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ बड़ा सीधा बल्ला है। अबे तेरे सीधे बल्ले का, तेरा कॉम्पैक्ट धोने का, तेरा जो है ना जबरदस्त ड्राइव मारने का, हमने क्या करना है, हमें चाहिए रन, तुम्हें इसलिए खिलाया कि तुम ये नहीं हो सकता कि तुम पहली दफा कौन श्रीलंका के पास उस पर 200 मारा हुआ है तुमसे ज्यादा, ये तो वाले स्पिनर ही नहीं है जिन पे तुमने 200 मारा हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट से खेलना बंद कर दो नहीं तो गला कटवा लेंगे, अब तुम लोगों को एक्सपोज करना शुरू करेंगे, ये दोस्ती यारी कबीला 11 है, और कुछ लोग जो क्रिकेट के अपने आप को अंदाता कहते हैं वो पहले सच बोलते थे, आप वो जानबूझ के कौम की आंखों में धूल झोंक रहे। ये बाबर आजम अपने रंस बच्चों पे पूरे साल बनाता है, कहा था तुम्हारे इस बाप ने क्या आने दो एशिया कप, इसकी फिर फॉर्म चली जाएगी, नेपाल को मार के खुश हो रहा है, नेपाल जिसको बबूमा जानता भी नहीं है कि दुनिया के किस कोने में नेपाल है, उसके ऊपर रंस मार के ये अभी तक चौड़े चल रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा भारत में ये बाबर आजम के चक्करों में भैया, ये तो पूरा एक साजिशी ग्रुप है जो पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करता है, और जाहिर ये करते हैं कि इनसे बड़े पैट्रियट कोई भी नहीं क्रिकेट खेलने वाले, और बदतरीन बॉलर्स पे तुम रन मारते हो जिनके ना घर का पता, ना अबू का पता, ना मामू का पता, उन वो बच्चे आ जाते हैं उनको घेर घार के तुमने पेला पाला, अपने अपने एवरेज बनाया और चौड़े बन के घूम रहे हो। अब जब तुम्हें मिल रही है, अच्छा जब जब तुम्हें बड़ी टीम मिली है, जब जब तुम्हें स्ट्रेंथ मिली है, वहां तुमने हक दिया है, कुल्ला हक दिया तुमने, कभी कोई सोच भी सकता था एक सिचुएशन के ऊपर कि हम तो मैच हार गए वैसे कब का, कहां से शाहीन ने दो विकेट लेके मैच को वापसी करवाई, क्या खूब जमान खान ओवर कर रहा था, स्लो दिया यार। हम आखिरी 8 ओवर में कमबैक हमने दोबारा किया है, उससे पहले हम मैच हार ही रहे थे, श्रीलंका की जो पहले 4 बल्लेबाजों ने इतनी कमाल की बैटिंग की है और फिर बड़ा जबरदस्त उन्होंने आप देखे ना किस तरह पार्टनरशिप लगाई है, हम मैच तकरीबन वहां से हारे हुए थे, अगर वो हम वहां से भी वो कैच भी पकड़ लेते ना तो तब भी हम जीत चुके थे। फिर एंड वाले यार बिलीव भी देखें, स्लो बॉल उसने वाकई फेंका है, यहाँ पे मैं थोड़ी कैप्टनसी पे भी क्रिटिसिज्म करूंगा कि वहां देखें ना लास्ट ओवर है, एक बॉल पे 2 चाहिए आपको, आपने फील्डिंग खुली रखी हुई है, फील्डिंग खुली क्यों रखी हुई है भाई, जब एक बॉल पे 2 चाहिए फील्डिंग आप अटैकिंग करो, बीच में फील्डिंग सारी सर्कल के अंदर लेके आओ, लेकिन भाई क्या करें हमारी फिर कैप्टनसी, फिर वही कैप्टनसी पे आ जाती है बात, फिर हमारे वाइस कैप्टन जो है वो मैं उनके बारे में क्या बात करूं, फिर यार बैड लक देखे ना, हमारी बैड लक पड़ी थी, ये बोलिंग है नहीं, बोलिंग तो बहुत घटिया की यार, ये बोलिंग है, और ये तो शुक्र करो कि आपके बॉलर इफ्तिकार अहमद ने, आपके इफ्तिकार और शाहीन ने आपको मैच में वापसी दिला दी, और बहुत बुरी हार होनी थी, और बहुत बुरी हार होनी थी कि हम तो उम्मीदें तोड़ के बैठ गए हुए थे, सब कुछ छोड़ दिया हुआ था, इतनी गंदी बॉलिंग की स्टार्टिंग से लेके, वो तो इफ्तिकार अहमद को शुक्र अदा करो जो वो 3 विकेट लेके चला गया, रिजवान तुमने कैच क्या छोड़ा, श्रीलंका ने मैच हमारे हाथ से ले दिया, एक तुम्हारा स्टंप छूटा था तो तुमने रन मार दिए, और तुमने श्रीलंका का कैच छोड़ा वो हमारे हाथ से मैच लेगा, केला श्रीलंका लेके चला गया भाई, लड़के क्या खेले हैं, मैंने जिंदगी में स्टेडियम में इतना कमाल का गेम ही देखा भाई, क्या एंड तक लड़े हैं बॉयज, मजा आ गया यार, दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरा आज तक स्टेडियम में गया है, मजा आ गया, बहुत अच्छा खेले हैं, क्या एंटरटेनमेंट दी उन्होंने, एंड तक दिल पे चाकू मार के रखा उन्होंने, एंड तक मजा आया यार, मेरा गला फट गया एंड तक मैं चीखा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, बॉयज रेडी है, क्या खेले हैं यार, मजा आया, मजा बहुत आया यार, एंड तक खेले हैं यार, हमने क्या क्रिकेट खेली है, हम ये टीम लेके वर्ल्ड कप जा रहे हैं,
इंतहाई दुख की बात है कि एक ऐसी टीम जिसको हम सब लोग नंबर वन कहते हैं, जिस टीम की कप्तानी को हम नंबर वन कहते हैं, जिसकी बॉलिंग को हम नंबर वन कहते हैं, जिसकी बैटिंग पे हमें बड़ा मान है, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसे देखें जैसे अब कीनिया और शायद जिम्बाब्वे भी इससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो जैसे हमने क्रिकेट खेली है। जो डिसीजन बाबर आजम ने कप्तानी में लिए हैं, क्या वो किसी बड़े कप्तान के शयान शान में है जो उसने डिसीजन लिए हैं? आखिर में आके बॉलिंग टाइट करवा दी, आखिर में आके इफ्तिखार को लगा दिया, उसको 3 विकेटें मिल गई हैं, लेकिन उससे पहले जो बॉलिंग चेंजिंग हमने की है, ना तो कप्तान की कप्तानी के टैक्टिक्स ने काम किया और ना ही हमारे बॉलर्स ने अपने कप्तान को रिस्पॉन्ड किया। और बल्लेबाजों की हालत आपके सामने है कि रिजवान और इफ्तिखार की मेहरबानी के उन्होंने स्कोर 252 तक पहुंचा दिया है। सो हम डिजर्व करते थे कि हम एशिया कप का फाइनल खेलें? मेरा ख्याल से नहीं। एक नेपाल की टीम से जीती हुई टीम, एक बांग्लादेश से जीती हुई टीम सेमीफाइनल में डिजर्व नहीं करती, फाइनल खेलने में डिजर्व नहीं करती थी कि ये टीम फाइनल खेलती। सो इसलिए आज हमारे साथ जो हुआ है वो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि हमारी आंखें खुलती और हम इस एशिया कप के अंदर इतनी बड़े ब्लंडर ना करते जो हमने किए हैं। कप्तानी उठा के देख लो, फील्डिंग उठा के देख लो, रिजवान से कैच गिर रहा है, शादाब ने एक रन आउट कर दिया, बाकी फील्डिंग मिस कर दी है, शाहीन शाह अफरीदी से ना बॉलिंग हो रही है ना शाहीन शाह अफरीदी से फील्डिंग हो रही है। अब नवाज को हमने लगा दिया T20 टाइप की वो बॉलिंग कर रहा है, कोई एक विकेट टेकिंग डिलीवरी नवाज ने डाली है। वसीम जूनियर को हमने चांस दिया, उससे कुछ नहीं हो पाया। एक इफ्तिखार था, उसको स्कोर तो लगा लेकिन उसने 3 विकेटें लेके थोड़ा सा इज्जत रखने की कोशिश की है जो कि हम उसको नहीं बचा सके हैं। और पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट टीम है जो खेल रही है, इस क्रिकेट टीम का जो 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप पे जाना है, उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड को चेंज होना चाहिए।